ज्योतिष की बात सच निकली, जिस दिन ज्योतिष ने बोले थे डेथ होने के लिए उसी दिन ही डेथ हो गया। बहुत साल हो गया, मेरे पापा के जो दादाजी थे उनको उनका मम्मी ने कुंडली दिखाई थी, उनका हाथ दिखाए थे, कुंडली दिखाए थे। एक बड़े ज्योतिष ने बोले थे ये महीना ये तारीख को वो पर्टिकुलर डेट दे देते हैं, पर्टिकुलर डेट दे दिए थे, ये तारीख को उनका मृत्यु होने वाली है, डेथ होने वाली है दंताघात से, मतलब हाथी से या स्नेक से। ये न्यूज़ सुन के घर वालों के अंदर मतलब मातम छा गया था। सब लोग यही मतलब दुआ कर रहे थे कि ये ज्योतिष के बाद झूठ निकले, हमारी दुआ कबूल हो जाए, भगवान को पास ये बुरा वक्त टल जाए। ऐसे करके फाइनल वो टाइम आ गया। मेरे दादाजी को मछली ज़्यादा पसंद थी, उस दिन उनके फेवरेट का सारा खाना बना हुआ था, वो खाना बना के उनको दे दिए थे। वो खाने के लिए बैठे थे दादाजी, सब लोग उनके चारों तरफ बैठे हुए थे, घर में कोई खुश नहीं था। वही दिन मतलब उनका डेथ का मतलब डेट दिया था ज्योतिष ने। वो खाने के लिए स्टार्ट कर रहे थे, इससे गांव लोग का शोर शराबा जोर से आने लगा। मेरे दादाजी उठने लगे, मेरे जो दादी माँ थी, दो औरत थे घर में, वो उनको बिठाने लगे, चुप के बैठ जाओ, कोई किधर कुछ करा है तो किधर जाने की ज़रूरत नहीं, वो किधर भी छोड़ नहीं रहे थे उनको, आज आप घर में रहो, ऐसे बोल रहे थे सब लोग। दादाजी बोले नहीं, वो शायद हाथी आ गया। तब क्या होता था, हाथी आ जाते थे घर के पास, जितना धान वगैरह बागों में जितना खेती होता था, सब्जी बनाना सब कुछ वो खा के चले जाते थे, तहस नहस करके चले जाते थे। मेरी जो दादी माँ थी वो उनको पैर पकड़ कर उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बोले नहीं नहीं ऐसे हम किधर नहीं जाएंगे, बस देख के आ जाते हैं तो शोर शराब क्यों हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ, वो देखने के देखा तो हाथी आ गया, ऑलरेडी हमारी घर की जो बाग था वो बाग में खा रहा था हाथी। मेरे दादाजी देख के गुस्सा करके, मैं कितना मेहनत करके खेती करके लेके आ रहा हूँ, तुम ऐसे करके मेरा सारा फसल उजड़ जाता है, मेरा सारे फसल को बर्बाद कर देता है, खा लेता है, वो गुस्सा करके उनको भगाने लगे। मेरी जो दादी माँ थे दो, वो उनको मना कर रहे थे, मत जाओ मत जाओ, बोले कुछ नहीं होगा, गांव के सारे लोग हैं, हम अकेले थोड़ी ना है, सब लोग तो आ रहे हैं, हम उनके साथ आ रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। लेकिन ये रो रहे थे, मना कर रहे थे, मत जाओ मत जाओ। वो जैसे भगाने लगे हाथी को, हाथी जिधर से आया था उधर चलने लगा। दादाजी ऐसे भगाने लगे, हमारे बाग की जो एंड में था उधर एक मतलब बाम्बू का कांटा वाला बाम्बू जो होता है, वो बाम्बू का ट्री था। वो बाम्बू का ट्री तो एक जगह में एक नहीं रहता, बहुत ज़्यादा रहता है, उधर हमारा बाग एंडिंग था। वो हाथी क्या क्या पीछे मुड़ गया, पीछे मुड़ने के बाद मेरे दादाजी को भगाने लगा। तब वो सारे गांव वाले इधर उधर करके भागने लगे जान बचाकर, मेरे दादाजी भी भागने लगे। कहते हैं ना जो घोड़ा होता है वो दौड़ दौड़ के जिधर पहुँच जाता है ना, हाथी स्लो स्लो जाके उधर ही पहुँच जाता है। वो दौड़ रहे थे जान बचा के भाग रहे थे, तब मेरे दादाजी को डर लग रहा था, मतलब शायद आज ज्योतिष के बाद सच हो जाएगा, ऐसे बोल के वो दौड़ रहे थे। लेकिन हाथी पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उनका वो सूंड है ना, सूंड में उनको मोड़ लिया, पकड़ के मोड़ लिया, पटक दिया नीचे, नीचे पकड़ के, नीचे पटक के पैर में कुचल दिया, कुचल के हाथ वो उनका जो सूंड है ना, सूंड में पकड़ के वो हमारे बाम्बू का जो ट्री था उनके ऊपर फेंक दिया। वो उधर ही फंस गए थे दादाजी। उसके बाद वो गुस्सा करके इधर उधर सब मतलब तोड़ फोड़ करके चला गया। मेरी जो दादी माँ थे वो पीछे पीछे दौड़ दौड़ के जाते, सारे गांव वालों को बुलाए, ऐसे दौड़ के आ जाओ हेल्प करो मदद करने, मतलब सबको आवाज़ दी, सब लोग वापस आए। तब सब कुछ ख़त्म हो चुका था, मतलब चारों तरफ खून ही खून, मांस का मतलब बल जैसा बन गया था मेरी दादाजी का बॉडी। बहुत मुश्किल से उनको नीचे उतारे, उतारने के बाद उनका दाह संस्कार किया। हो सकता है वो उनका उस दिन का उनका लास्ट डेट था, ज्योतिष बोला उसलिए हुआ, या तो ज्योतिष को सब कुछ मालूम था, पता नहीं क्या था। मैं तो नहीं मानती ज्योतिष की बात, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अपना हाथ नहीं दिखाया, अपनी कुंडली नहीं दिखाया किसी को,
आप दिखाएंगे तो फिर मतलब स्ट्रांग होना चाहिए आप दिखा देंगे, वो अच्छे बोलेंगे तो ठीक है, फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर कुछ अच्छे होने वाले है, ऐसे बोलेंगे तो आप मतलब डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा सुनने के लिए। अगर कुछ वो नेगेटिव बोल देते हैं आपको, मतलब डेथ होने वाला है, आपका ये होने वाला है, जितना नेगेटिव बात बोलेंगे तो आप डेथ होने से पहले ही आप मर जाएंगे, डिप्रेशन में आप चले जाएंगे वही सोच सोच के। कुछ अगर वो झूठ होगा भी तो फिर भी आप जिंदा नहीं बच पाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल से तो किसी को दिखाना नहीं चाहिए, जो होगा वो तो होके ही रहेगा, जो भगवान ने लिखा है तकदीर वो तो कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए किसी को दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो नहीं दिखाती, मैं तो नहीं मानती, लेकिन उस दिन ज्योतिष का आवाज़ सच निकला और मेरे दादाजी का डेथ हो गया।